दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की पकिया। आज का हमारा विषय है फिटकरी। जी हाँ, ये है फिटकरी और ये क्रिस्टल फॉर्म में हर घर में पाई जाती है। इससे आप बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे और इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फिटकरी हमारे पौधों के लिए हानिकारक है या अति हानिकारक है। हमारे तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा प्रकाश डालें। इसके बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस पे, केमिकल एक्शंस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, बहुत टेक्निकल नहीं बनाएंगे, साधारण सा बनाएंगे। जो चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे उससे आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, ये मेरा विश्वास है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपको नई नई जानकारियां तुरंत आपके पास उपलब्ध हो। दोस्तों ये फिटकरी, फिटकरी घरों में पाया जाने वाला बहुत ही साधारण सा एक क्रिस्टल और इसका केमिकल फार्मूला है KaLSO4 2 12 H2O। जी हाँ, KaLSO4 2 12 H2O। इसको पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, इसके कई नाम कह सकते हैं। इसको पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट भी कहते हैं। बेसिकली हम लोग इसको फिटकरी के रूप में ही समझते हैं, इसको पोटास फिटकरी भी कहते हैं। ये एक अम्लीय है। इसका महत्वपूर्ण एक्शन ये है कि ये जैसे ही मिट्टी में डाला जाता है, यानी हमारी मिट्टी की पीएच को बहुत तेजी से गिरा देता है और वो ले आता है 4.5 के आसपास, यानी हमारी मिट्टी अम्लीय हो जाती, चाहे वो हम खेतों में डालें चाहे गमलों में डालें। तो आप समझ सकते हैं कि वो सारे चीज़ें जो अम्लीय मिट्टी में उपलब्ध नहीं होती हैं, वो सब चीज़ें जो आपके पोषक तत्व हैं, जो हमारे गमले में होते हैं या खेतों के अंदर पड़े रहते हैं, जैसे ही हमारा पीएच नीचे हुआ वैसे ही वो सब अनुपलब्ध हो जाते हैं और पौधे को पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। ये एक पहला कारण है। अगर आपकी पीएच पहले से ही 6 है तो और वो कम होकर करीब करीब 3.5-4 हो जाएगी, और अगर आपकी पीएच 12 है तो वो भले थोड़ा सा कम होकर नॉर्मल आ सकती है, लेकिन पीएच समानता हमारे गमलों में या हमारे खेतों में 6.5 और 7 के बीच में सामान्य मानी जाती है और इसी में हमारे पौधे सरवाइव करते हैं। प्लस माइनस थोड़ा सा आगे पीछे होने पर पौधों को पोषक तत्वों की आपूर्ति जो है कम हो जाती है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। अब जब बहुत सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है और तरह तरह के केमिकल कंपाउंड्स हमारे पास हैं, गोबर की सड़ी खाद है, नीम की खली है, बोन मील है, पोटास ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक बहुत सारी खादें हैं, केमिकल में NPK है, NPK बहुत वेरिएशन है, 19-19-19 है, 18-18-18 है, 0-52-34 है NPK में, NPK में 0-0-50 यानी पोटास है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, DAP है, डाइमोनियम फास्फेट है, सिंगल सुपर फास्फेट है, और तरह तरह के कैल्शियम नाइट्रेट है, सब चीज़ें उपलब्ध हैं और जो सारी की सारी चीज़ें विज्ञान द्वारा प्रमाणित है। उन सब के होने के बाद हम इस फिटकरी को अपने पौधों को क्यों दें, एक सवाल। दूसरा सवाल, जब हमें जान जाएं कि इससे हमारे मिट्टी की पीएच बहुत तेज़ी से गिर जाती है और जो पोषक तत्व यानी जो हमने खादे, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, सब दी हैं, वो सारी की सारी अनुपलब्ध हो जाती हैं और पौधा हमारा बहुत परेशानी में आ जाता है और अगर थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया तो पौधा मर सकता है। इस प्रकार से बहुत सारा नुकसान हमारे किसान भाइयों में बहुत सारा पास्ट में उठाया है, हमारे गमलों में जिन गार्डनर्स ने ऐसे वीडियो देखे जहाँ पर इस प्रकार का प्रयोग किया गया है, उन्होंने भी अपने पौधों को खो दिया है। तो आप भी कोशिश करिए इसका प्रयोग थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो आप जानेंगे कि हमारा मिट्टी कैसे हो जाती है विषैली। इस फिटकरी का प्रयोग सदियों से होता आया है
और ऐसा नहीं है कि ये इस्तेमाल नहीं की जाती है, बहुत लंबे समय से फिटकरी में का इस्तेमाल हमारे देश में यानी संसार में हो रहा है और इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं। इसको चमड़े की टैनिंग में करते हैं, दूध को फाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कांच की फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इस्तेमाल बहुत सारे हैं, अचार में लंबे समय तक खराब ना होने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन सब चीज का प्रयोग बहुत थोड़ा है खासकर अचार में। बाकी जो भी प्रयोग हैं फिटकरी के सब हमें इंडस्ट्रियल यूज के लिए हैं। साथ साथ एक इसका यूज और होता है, मान लीजिए किसी झील में बहुत सारी काई लगी हुई है, ऐसी कोई जगह जहाँ पानी का भराव है और वहाँ बहुत सारी काई आ गई है, तो वहाँ उस पानी को साफ करने के लिए भी इस फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग भी बहुत है इसके, उपयोग भी बहुत है, लेकिन सवाल केवल इतना सा है कि क्या पौधों के लिए हानिकारक है या नहीं। दोस्तों अगर हम इसके थोड़ा सा और अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि KLSO4 2H2O में K2O पोटेशियम ऑक्साइड ये 11.3% के आसपास होता है, और साथ में Al2O3 अल्मोनियम 36.9% बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड वो करीब करीब 38.6% पाया जाता है, पानी जो है इसमें H2O 13.5 और बाकी 0.2% में सोडियम पाया जाता है। दोस्तों जो आप मेजर इसमें पाया जाता है 36.9 वो है अल्मोनियम Al2O3, और हमारी जमीन में भी अल्मोनियम की मात्रा पाई जाती है और वो भारत की सारे जगह पाई जाती है और वो घुलनशील नहीं होती है, अघुलनशील होती है, इसलिए हमें नुकसान नहीं करती है। लेकिन जैसे ही हमने फिटकरी को अपने जमीन में एग्रीकल्चर के लिए या गमले में डाली, वैसे ही एल्युमिनियम घुलनशील हो जाती है। जैसे ही पीएच कम हुआ, हमारे मिट्टी में पड़ी हुई एल्युमिनियम जो साथ में ये एल्युमिनियम गई है फिटकरी वाली, इससे एल्युमिनियम की इतनी अधिकता हो जाएगी कि हमारी मिट्टी वहां पर जहरीली हो जाएगी। जैसे ही एल्युमिनियम की अधिकता होती है, वैसे ही मैग्नीशियम जो कि क्लोरोफिल बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूएंट है, उसके बिना पौधे क्लोरोफिल नहीं बना सकते हैं, मैग्नीशियम की अनुपलब्धता यानी अननॉन अवेलेबिलिटी हो जाएगी और पौधे क्लोरोफिल नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही आपने देखा कि किस प्रकार से फिटकरी पौधों के क्लोरोफिल बनाने की क्रिया को शून्य कर देता है, करीब करीब शून्य, और थोड़ा समय ज़्यादा हुआ तो धीरे धीरे पौधा हमारा मर जाता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए कि फिटकरी का प्रयोग पौधों के लिए करना है या नहीं करना है। अगर आपको लगने लगा होगा कि आप ये भी कर सकते हैं, फिटकरी के बारे में थोड़ी जानकारी और उपलब्ध करें, लेकिन आप फिटकरी के बारे में रिसर्च पेपर पढ़ें, और रिसर्च पेपर में भी अच्छे रिसर्च पेपर पढ़ें, तो आप इसके बारे में पूरे गुण और अवगुण दोनों पढ़ें, यानी किन कंडीशंस में है उन कंडीशन को भी ध्यान रखें। आधा पढ़ने से आप हम पूरी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये भी सच है कि फिटकरी के उपयोग से कीट या कीड़ों को मारा जा सकता है, 100% ये संभव है, लेकिन क्या कीटनाशक के रूप में हम इसका प्रयोग करके अपने पौधों को हम मार नहीं सकते? जी हाँ, अगर हम कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो हम पौधे से हाथ धो बैठेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि फिटकरी का प्रयोग कभी भी खाद के रूप में नहीं किया गया है। पौधों के लिए फिटकरी का उपयोग हानिकारक ही नहीं, अति हानिकारक है। इससे पीएच बहुत तेजी से गिर जाता है और हमारे पोषक तत्व जो उपलब्ध होते हैं मिट्टी में प्रचुर मात्रा में, वो भी पौधों के लिए अनुपलब्ध यानी नॉन अवेलेबल हो जाते हैं। इन सब कंडीशन को देखते हुए हमारा ये निवेदन है सभी लोगों से कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें,
एक नटसल में इतना कहना चाहूँगा कि फिटकरी का प्रयोग पौधों के लिए हानिकारक है, हानिकारक है, हानिकारक है। तो दोस्तों, इसका प्रयोग करने से पहले पौधों में आप विज्ञान को पढ़ें और कोशिश करें कि रिसर्च पेपर को पढ़ें, तब इसका उपयोग या प्रयोग करें। ये भी सच है कि कुछ कामों के लिए इसका इस्तेमाल, फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, और सदियों से भारतवर्ष में ही नहीं विदेश में भी फिटकरी का प्रयोग बहुत सारी चीज़ों में किया गया है, जो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई, और आप खुद सोचेंगे जब। दोस्तों, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।